नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम प्रेशर कुकर के डाई के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसे कैसे उपयोग में लाते हैं इस वीडियो के मार्फत अभी हम समझेंगे। तो फटाफट चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये प्रेशर कुकर है। अगर प्रेशर कुकर का हमारा बॉडी ख़राब हो, जैसा कि देख सकते हैं या उभर गया है, तो इसे ठीक करने के लिए और साथ में ढक्कन भी हमारा ख़राब हो तो इसे ठीक करने के लिए हमें डाई की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको आज बताऊंगा डाई क्या होती है। तो प्रेशर कुकर का जो डाई होता है वह लोहे का होता है। देख सकते हैं इस तरह का एक या नीचे का भाग है जिसे हम लोहे का, हम इसे लोहे का बोल सकते हैं उपकरण। ठीक है दोस्तों, यह हमारा लोहे का उपकरण होता है जो कि यह कुकर के ठीक बॉडी में नीचे लगता है। और इस उपकरण के ऊपर एक और उपकरण लगता है इस तरह का, देख सकते हैं, यही हमारा लोहे का डाई इस तरह का देख सकते हैं। ये काफ़ी वजनदार होता है, लगभग 2.5 से 3 किलो का होता है। तो हमें कुकर को बनाने के लिए इस तरह का लोहे का जो डाई, जो उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, और एक इस तरह का रॉड होता है दोस्तों, देख सकते हैं, इसे हम बड़ा बोल्ट भी कह सकते हैं, और एक लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके पास लकड़ी नहीं है तो आप इस तरह का हैमर भी ले सकते हैं या साधारण लकड़ी भी आप उपयोग में ला सकते हैं, जैसा कि ये देख सकते हैं इस तरह का। तो ये हमारा उपकरण हो गया, यह हमारा रॉड हो गया, और एक उपकरण यह हो, और सबसे विशेष एक यह भी उपकरण है दोस्तों, जो लोहे का जो चौड़ा सा देख रहे हैं, लगभग 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई का जो है। तो यह भी अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप प्रेशर कुकर के काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह का देख सकते हैं लोहे का भारी भरकम, इसे क्या बोलेंगे, पट्टी बोलेंगे। तो यह भी हमारा उपकरण का काम करेगा, देख सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों, इस उपकरण को हम कैसे उपयोग में लाएंगे, तो फटाफट आज के वीडियो इसी मैटर पे है कि इस उपकरण का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं प्रेशर कुकर, ठीक है दोस्तों, और इस प्रेशर कुकर का जो बॉडी है यह काफ़ी ख़राब है, इसका पेंदी भी ख़राब है। तो इस उपकरण का प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस तरह का ले लेते हैं प्लास्टिक, रबड़ नहीं, इस तरह का प्लास्टिक लेते हैं, और इसे हम उपकरण के नीचे इस तरह से रखेंगे। देख सकते हैं, कहने मतलब यह हमारा उपकरण है, इसे यहाँ पर रखेंगे ताकि हमारा इस बॉडी में निशान ना हो। तो उससे पहले दोस्तों, हमारा ये देख सकते हैं कुकर का जो पेंदी है या लुढ़क रहा है, तो इसे हमें सबसे पहले ठीक करना होगा। तो इसे ठीक करने के लिए हम इस तरह के लकड़ी से भी इसे हम दबा के ठीक कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको बताता हूँ ताकि हमारा हिलेगा नहीं, इस तरह से। किन किन उपकरणों की आपकी आपको आवश्यकता पड़ेगा दोस्तों, यह मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं हमारा एकदम सही हो चुका है। यदि हमारा कहीं पे ज़्यादा ठोका जाए तो हमें इस तरह का लकड़ी का उपकरण लेना पड़ेगा। तो लकड़ी का क्या बोले, कोई भी गुटका तख्ता जो भी, इस तरह से लेना पड़ेगा। तो अब हमारा यह नहीं माने कि लुढ़क रहा है। अब क्या करेंगे दोस्तों, उपकरण को लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले प्रेशर कुकर में इस तरह से हम डालेंगे, ये देख सकते हैं, और इसे हम बीच में रखेंगे इस तरह से। उसके बाद यह जो डाई देख रहे हैं लोहे का, अब इसे हमें डालना होगा। तो इससे पहले हम इस बड़े वाले बोल्ट को इसमें हम कसेंगे। यह लोहे का डाई जो है यह अंडाकार का शेप में होता है, आप देख सकते हैं, इसे हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से लगाने के बाद हम इसे कुकर के अंदर प्रवेश करेंगे इस तरह से, देख सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, यह जो
लोहे का जो हमारा रड है, जो बोल्ट है, उसे हम यहाँ पे डालेंगे, इस छिद्र में देख सकते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे, इसे इधर उधर नहीं डालेंगे, और इसे इस तरह से लेंगे हम, इस तरह से, और मुख्य सेंटर में हम इस तरह से डालेंगे। उसके बाद हम इस बोल्ट को ऊपर की ओर मतलब इतना घुमाएंगे कि हमारा यह जो पट्टी है, जो बड़ा वाला उपकरण है, वह ऊपर की ओर आ जाए और यह बॉडी पे टच हो जाए। जैसा कि हम इसे ऊपर की ओर ला रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन अगर मैं आपको अच्छी तरह से नहीं बता पाऊँ तो हमारा वीडियो बनाना भी बेकार होगा। जो कि हमें अगर प्रेशर कुकर का रिपेयरिंग करना है तो यह सबसे मुख्य कहने का अर्थ मुख्य काम यही है कि हमें बॉडी को ठीक करना, बाकी तो पार्ट्स हम ऐसे उसे लगा ही लेंगे। तो इस तरह से हमारा देख सकते आ गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, इसका गैपिंग कितना है, कितना गंदा बॉडी इसका हो चुका है खराब। हाँ, तो हम एक इस तरह से प्लास ले लेते हैं, देख सकते हैं, और इस प्लास की सहायता से इसे हम हमारा प्लास छोटा हो जा रहा है। तो अगर आपके पास सलाई रिंच छोटा पड़ जाता है तो इस तरह का भी रिंच ले सकते हैं, या कोई भी पाना ले सकते हैं जो इसे पकड़ में आ जाए। तो हम इस तरह के लिए हैं, देख सकते हैं, और इसे हम इस तरह से थोड़ी सी कस लेंगे और इसे हम इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हमारा घूम चुका। अब क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना गैप है। ये देखिए, हमारा पूरी तरह से पेचकस अंदर की ओर चला जा रहा है, इधर भी। तो इस उपकरण की सहायता से हम इस बॉडी को नीचे को दबाएंगे और लेवल में लाएंगे। अगर हमारा यह उपकरण नहीं रहे तो हम छोटा सा जुगाड़, इस तरह का जुगाड़ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज बताना है उपकरण के उपयोग कैसे करें। अब हम इस तरह का एक लकड़ी का गुटका लेंगे, देख सकते हैं, और इसे हम चारों तरफ चोट करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि देख सकते हैं हमारा काफ़ी गैप है। इसके लिए हम इस तरह से बराबर बराबर इस तरह से चारों तरफ से हम चोट करेंगे, देख सकते हैं। आप ऐसे भी चोट कर सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो आप इस तरह से भी इस तरह से चोट कर सकते हैं, इस तरह से, और इसे हम घुमा घुमा के चारों तरफ से बराबर से मिला देंगे। तो हमारा इस तरह से फिर ये जो गैपिंग देख रहे हैं, इस गैपिंग को हम बार बार से भरते चले जाएंगे इस तरह से। अभी हमारा हिलने लगा कुछ, इसे और हम कुछ थोड़ी सी टाइट करेंगे इस तरह से। अब हम फिर से इसे चारों तरफ से देंगे, आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे गैपिंग है। ये देखिए, पूरा पेचकस घुस जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम इस तरह से इसे दबाएंगे, ये देखिए, इस तरह से। कोई भी कंपनी का कुकर हो तो हम इसे 5 लीटर के कुकर को इस तरह से डाई के द्वारा, लोहे के उपकरण के द्वारा हम ठीक करेंगे दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं, तो बराबर से हम चोट करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें आपको फिर से पेचकस डाल के दिखाएंगे कि हमारा यह किस हद तक ठीक हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम देखिए पेचकस डाल रहे हैं, लेकिन यह एक थोड़ा सा सूता भर भी है हमारा अंदर की ओर नहीं घुस रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम डाई का उपयोग करते हैं। इस तरह हमारा यह काफ़ी सुंदर हो चुका। अब इसे हम खोल लेते हैं, खोल कर हम इसे जो हमारा उपकरण है इसे हम बाहर की ओर निकालेंगे। तो इस तरह से हम खोल लेंगे फटाफट। तो इस तरह का उपकरण को इस तरह से उपयोग में लाया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अभी मैं इस उपकरण के जो दो भाग हैं
इन दोनों भाग के विषय में मैंने आपको भी जानकारी दे दिया। अब हमारा जो नीचे जो पड़ा हुआ उपकरण है उसका भी मैं भी आपको जानकारी देता हूँ कि उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। इस तरह देख सकते हैं, यह हमारा निकल गया है। इसका एक प्लेन आता है लेकिन मैं इसे जुगाड़ के रूप में बनाया हूँ दोस्तों। ये हमारा प्यागो का कुछ एक्सल जगह का कोई भाग है जिसे हम यहाँ पे वेल्डिंग करके आज ही बनवाए हैं तो हमारा काम चल जाता है। और इस तरह देख सकते हैं ये पेपर डालने मतलब प्लास्टिक डालने से क्या हुआ, हमारा यहाँ पे निशान नहीं लगा इस तरह, और हमारा ये बराबर भी हो चुका है देख सकते हैं, हिलता भी नहीं है। अब मैं इस उपकरण के बारे में बात करूँगा तो यह उपकरण देख सकते हैं कैसे हिल रहा है, मतलब कि उपकरण तो सही है, हमारा ढक्कन कैसे हिल रहा है। तब हमें ढक्कन को सीधा करने के लिए हमें इस तरह के उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम इसे ठीक करेंगे। इसे ठीक करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, इधर कुकर को मैं इस तरह से रखता हूँ, ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना ऐसे डाल के दिखाता हूँ। इसका मतलब जो गैपिंग था वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ से प्रॉब्लम है, इस ढक्कन का दिक्कत है, तभी हम इसे ठीक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम चोट करेंगे, तो हम इस तरह का लकड़ी से चोट करते हैं और यह जो हिल रहा है एकदम नहीं हिलना चाहिए, तभी हमारा यह काम सक्सेस होगा। और हो सके तो इसे आप खोल के भी निकाल सकते हैं और इसे सीधा कर सकते हैं, तो अभी तो हम तत्काल इसी तरह से करेंगे। तो देख सकते हैं हमारा बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग है, मैं अभी आपको पेचकश डाल के दिखाता हूँ, ये देखिए इतना घुस जा रहा है, ये इधर से पूरा घुस गया और इधर से भी घुस जाता है। इसे हम ऐसा बनाएंगे कि हमारा यह जो उपकरण है लोहे का उपकरण इसमें सही से बैठ जाए। तो इस तरह से भी हम लकड़ी से इस तरह से चोट करेंगे, इस तरह से घुमा घुमा के, ताकि हमारा यह उपकरण में ढक्कन सही से आ जाए, तभी यह हमारा लग सकता है। ये देख सकते हैं इस तरह से, अभी देखिए दोस्तों यह हमारा देख सकते हैं एकदम जरा से जा रहा है, अभी अभी हमारा सही हो जाएगा पूरी तरह से। तो देख सकते हैं इस तरह का प्लेट जो हमारा बराबर में है, उबड़ खाबड़ नहीं है, तो हमें इस तरह से बनता है प्रेशर कुकर। आप अगर इस तरह का वीडियो पूरी तरह से देख लेंगे, आप भी कोई सा कुकर को आसानी से बना लेंगे दोस्तों। इस तरह से देख सकते हैं एकदम साधारण सा लकड़ी लिया है, गुटखा लिया है, बस चारों ओर से हम इसे पीटते जा रहे हैं, ये देख सकते हैं। अब हम इसे देखते हैं कि हमारा कुछ कुछ और हिल रहा है, हम इसे पूरी तरह से ठीक करेंगे। बीच बीच में यहाँ भी एक आध बार चोट दे देंगे, तो हमारा देख सकते हैं लगभग लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका। तो अब हम इसमें इस तरह से रख के देखते हैं, ये देखिए हमारा ये पूरी तरह से एक भी नहीं हिल रहा इधर उधर से, देख सकते हैं। अब हम इसे डाल के देखते हैं, तो इस तरह से हमारा देख सकते हैं लगभग लगभग यह आ ही जाएगा। अब इसे हम इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से चोट देते हैं, इसे हम बैठा सकते हैं, देखिए ये देखिए ये हमारा पूरी तरह से एकदम सही स्थिति में आ जाएगा। ये देख रहे हैं ये हमारा आ जा रहा है। तो हल्का सा यहाँ पे चोट करेंगे इस तरह से, ये देख सकते हैं हमारा लगभग लगभग पूरी तरह से मस्त हो चुका है। अब इसमें कुछ कमी आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं ये, इसे हम थोड़ा सा पेचकश सहायता से हल्का हल्का यहाँ पे इस तरह से मार देंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से हल्का हल्का मारेंगे, ज़्यादा जोर नहीं मारेंगे तो हमारा यह ढक्कन कट जाएगा और थोड़ा बेकार हो जाएगा। इस तरह से काफ़ी सुंदर हो चुका,
यहाँ पे मड़ा के भी देखते हैं, रख के देखते हैं, इस तरह से देख सकते हैं किसी तरह का हिल डुल नहीं रहा है। लगाने के बाद भी इस तरह से मस्त खप रहा है। और इसमें भी हम एक रबर डाल के देखते हैं। तो दोस्तों हम अभी इसमें अब देख सकते हैं कितना सुंदर यह लबलब बन चुका है। अब हम इसे रबर डाल के देखते हैं कि हमारा ये लीकेज का प्रॉब्लम ख़त्म करता है या नहीं। इस तरह से हम इसे डालते हैं और एक बार हम इसे फूंक मार के देखते हैं कि सचमुच में हमारा डाई के द्वारा काम सही हुआ या नहीं, चेक करना होगा। तो हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा काफ़ी सुंदर बन चुका है। तो हम इसे फटाफट रेडी करेंगे और जो भी ग्राहक है उसे देंगे। तो आपको हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले दिन। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।